कुरान और हदीस में जिनों का तज़किरा कसरत से आया है, इंसानों से पहले ही इनकी पैदाइश हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने इनको आग से पैदा फरमाया, एक तवील जमाने तक वो जमीन में आबाद रहे, फिर उन्होंने फसाद मचाना और खून बहाना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए इन्हें समंदर के जजीरों और दूर दराज पहाड़ों की तरफ भगा दिया। इबलीस भी जिन्नात में से था, लेकिन कसरत इबादत की वजह से फरिश्तों का सरदार बना दिया गया था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो उसने तकब्बुर किया और सजदा करने से इनकार कर दिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने धुतकार कर इसको दुनिया में भेज दिया और इससे तमाम नेमतें छीन ली। इस तरह तकब्बुर ने इसे हमेशा के लिए जलील और रुसवा कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इंसान और जिन्नात दोनों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजे गए थे। चुनांचे अहादीस में जिन्नों को इस्लाम की दावत देने का जिक्र मौजूद है और कुरान करीम में जिन्नात की एक जमात के ईमान लाने का भी तज़किरा मौजूद है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे, इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर जमीन पर लिटा दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक करके दिल निकाला और फिर दिल में से खून का एक लोथड़ा निकाला और फरमाया, ये शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने की तश्तरी में रख कर जमजम के पानी से धोया और फिर दिल को बंद करके उस जगह वापस रख दिया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर इन टाकों का असर भी देखता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज का छोड़ना आदमी को कुफ्र से मिला देता है। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान और कुफ्र के दरमियान नमाज छोड़ने का फर्क है। अल्लाह ताला से हिदायत तलब करने के लिए इन अल्फाज में दुआ करनी चाहिए, इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये 99 मरतबा हुए, और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये मिलकर 100 हुए, पढ़ेगा तो इसके गुनाह माफ हो जाएंगे, खास समंदर के झाग के बराबर हों। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन को पसंद करेगा तो उसका वो दीन हरगिज कबूल न किया जाएगा और वह आखिरत में नुकसान उठाने वालों में शामिल होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम इन काफिरों के माल और औलाद से ताज्जुब में मत पड़ना, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया ही की जिंदगी में इन काफिरों को अजाब में मुब्तिला करना चाहता है और जब इनकी जान निकल जाएगी तो कुफ्र की हालत में मरेंगे। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन बंदा जब कब्र में पहुंचता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसको बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, फिर पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है, वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है, फिर पूछते हैं तुम्हारा नबी कौन है, वो कहता है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जचकी की हालत में तुम अपनी औरतों को तर खजूरें खिलाओ और अगर वो न मिले तो सूखी खजूरें खिलाओ। बच्चे की पैदाइश के बाद खजूर खाने से औरत के जिस्म का फासिद खून निकल जाता है और बदन की कमजोरी ख़त्म हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी के हाथ से लुकमा गिर जाए तो उसे उठा ले और साफ करके खा ले, शैतान के लिए उसे न छोड़े, और खाने के बाद जब तक उंगलियों को न चाट ले, हाथ को रोमाल से न पोछे, इसलिए कि मालूम नहीं कि किस दाने में बरकत है।